महिंद्रा स्कॉर्पियो एन लॉन्च हो चुकी है, बहुत ही कमाल की लग रही है। इसको आप अगर ने चेकआउट नहीं किया है तो डेफिनेटली नियरेस्ट महिंद्रा में जाके चेक करो, बहुत कमाल की लग रही है। अब इसमें ना बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, जो टॉप मॉडल है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं आप सबने देख ही लिया होगा अभी तक। तो आज के वीडियो में इसके बेस मॉडल को देखेंगे कि इसके बेस मॉडल में क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, कितने की प्राइसिंग रहेगी, सब कुछ आपको बताऊंगा, और बेस मॉडल कैसा रहेगा, वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है तो वो भी चेक करेंगे। लास्ट में मैं आपको वो भी थोड़ा सा अपना ओपिनियन बताऊंगा, तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। और हाँ, आपका क्या ओपिनियन है नई स्कॉर्पियो एन के बारे में, आपको कैसी लगी बताओ कमेंट बॉक्स में मुझे। तो देखो, इसका जो बेस वेरिएंट है ना वो है Z2 वेरिएंट। इसमें आपको पेट्रोल इंजन भी देखने को मिलेगा, डीजल इंजन भी देखने को मिलेगा। पहले आप इस कार का डायमेंशन देखो, तो बेस मॉडल खरीदो चाहे टॉप मॉडल खरीदो, ऑब्वियस सी बात है सभी के डायमेंशन सेम होंगे क्योंकि कार सेम है। एग्जैक्ट डायमेंशन आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे, और डायमेंशन देख के एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि गाड़ी एक्चुअल में काफ़ी बड़ी है। इसी के साथ जब आप इसको प्रैक्टिकल देखोगे ना, इसीलिए मैं बोलूँ आप नियरेस्ट महिंद्रा में जाओ चेक करो, देखने में काफ़ी अपीलिंग लगती है। पूरी बॉक्सेस से डिज़ाइन लगता है फॉर्च्यूनर के साइज़ को कॉम्पीट कर सकती है, इतना इसमें कैपेबिलिटी है, इतनी बड़ी SUV है, फुल साइज़ की SUV है। तो हाँ, इसका जो बेस वेरिएंट है Z2, इसमें अगर आपको इंजन ऑप्शन बताऊँ तो दो इंजन मिलेगा, 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर का MHawk का डीजल इंजन मिलेगा। बेस मॉडल में कोई भी आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा, इसमें केवल आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ही देखने को मिलेगा। पेट्रोल और डीजल में कितना पावर आउटपुट है, कितना टॉर्क आउटपुट है, आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो। अब आते हैं एक्सटीरियर की तरफ। तो अभी ना आप जितनी भी वीडियोज़ देखे होंगे आपने या कहीं भी ऑफिशियल देखा हो, सब जगह आपको टॉप वेरियंट ही देखने को मिल रहा है। तो टॉप वेरिएंट में भाई सारे फीचर्स मिलते हैं, तो एक्सटीरियर इतना अपीलिंग नहीं होगा जितना कि टॉप मॉडल का। बेस मॉडल है तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज भी रहेंगे, जैसे फ्रंट में जाओगे आप तो फ्रंट में कॉम्प्रोमाइज ये है कि यहाँ पे LED वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, डुअल बैरल हेडलाइट मिलेगी हेलोजन वाली, फ्रंट की ग्रिल बहुत सिंपल सी रहेगी। साइड की तरफ जाओगे तो साइड में 17 इंचेस के व्हील तो मिलेंगे, बट ये स्टील व्हील होंगे कैप के साथ, इसमें कोई अलॉय व्हील देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि बेस मॉडल है, तो ये एक कॉम्प्रोमाइज़ है। बाकी टर्न इंडिकेटर वगैरह आपको ORVM में ही देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ LED टेल लाइट ही मिलेगी बेस मॉडल में, तो ये एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल ना देखने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा बाहर से, बट हाँ बहुत सारे डिफरेंसेज होंगे, जैसे जो फुटस्टेप दिया जाएगा नीचे बेस मॉडल में वो नहीं रहेगा, आप एसेसरीज़ में लगा पाओगे, ऊपर रूफ रेल्स भी नहीं रहेंगी, तो ऐसे करके एक्सटीरियर बहुत बेसिक सा रहेगा। बट एक चीज़ है कि यहाँ पर ना कुछ आप मॉडिफिकेशन करके आप चाहो तो टॉप मॉडल वाला भी एक्सटीरियर लुक ले पाओगे। अब आते हैं अंदर की तरफ, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। इसका जो इंटीरियर है ना वो भी बहुत ही सिंपल सा रहेगा, मतलब जितना प्रीमियम आप ये देख रहे हो ना इतना तो नहीं रहेगा। जैसे पहले फीचर्स आपको बता दूं, तो चारों पावर विंडो आपको मिलेगी इसमें, चारों पावर विंडो मिलेगी और 7 सीटर का ही ऑप्शन है, जिसमें सेकंड रो वाली 1 टच टम्बल डाउन रहेगी और थर्ड रो वाली को आप फोल्ड कर पाओगे। और कुछ फीचर्स बताऊँ तो इसमें आपको रूफ लैम्प मिलेंगे फर्स्ट और सेकेंड रो में, इंजन स्टार्ट स्टॉप का सिस्टम मिलेगा, मैनुअल AC मिलेगी जिसमें आपको सेकेंड रो में भी AC वेंट दिए जाएंगे। सबसे मजे की बात यह है कि इसमें आपको टच स्क्रीन भी देखने को मिलेगा, तो भाई हाँ टच स्क्रीन भी मिलेगा जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेस मॉडल भी अगर आप खरीदते हो तो आपके पास इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, और इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल भी आपके स्टेयरिंग में रहेगा, तो ये एक अच्छी बात है। और क्लस्टर जो है वो बहुत सिंपल सा रहेगा, 10.66 सेंटीमीटर का, ठीक है, मोनोक्रोम क्लस्टर रहेगा, ज़्यादा कुछ प्रीमियम डिटेल्स नहीं मिलेंगी इस कार में। बाकी इंटीरियर जो है बहुत सिंपल सा रहेगा, ज़्यादा अच्छे फीचर्स नहीं रहेंगे, जैसे आपका ड्राइविंग मोड या ऑटोमेटिक AC ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा, और मैनुअल ट्रांसमिशन ही केवल इस कार में आएगा, और स्टेयरिंग में जैसे क्रूज कंट्रोल वगैरह है ये सब कुछ, ये कुछ भी नहीं रहेगा। तो हाँ, फीचर्स जितने मैंने आपको गिनाए ना बस इतने ही आपको बेस मॉडल में मिलेंगे। इंटीरियर इसका भी सामने नहीं आया तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, पर आप ये फीचर्स के साथ इमेजिन कर सकते हो। अब आते मेन मुद्दे की बात, सेफ्टी में। तो यार यहाँ पे ना सेफ्टी में भी इसमें अच्छा खासा कॉम्प्रोमाइज किया गया है। जैसे जो स्कॉर्पियो एन का Z2 वेरिएंट है बेस मॉडल, इसमें केवल बहुत ही बेसिक सी सेफ्टी दी जाएगी, ABS, CBD, डुअल एयरबैग, ISOFIX। पर एक खास बात यह है कि ना बेस मॉडल से ही नई स्कॉर्पियो में चारों डिस्क मिल रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं है सेफ्टी के लिए, बट एक बात यह भी है कि स्कॉर्पियो की बिल्ड क्वालिटी महिंद्रा ऐसा बोल रहा है कि बहुत कमाल की है, तो हाँ ये एक नोट करने वाला पॉइंट है कि वैसे ओवरऑल जो सेफ्टी है वो अच्छी मिलेगी, बट फीचर्स यहाँ पे बेस मॉडल में कम रहेंगे सेफ्टी के लिए भी। तो यही है, ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं है। प्राइस आपको बताऊँ तो बेस मॉडल स्टार्ट है 11.99 लाख का, मतलब आप 12 लाख रुपया पकड़ सकते हो एक्स शोरूम दिल्ली। ऑन रोड प्राइस आप नियरेस्ट डीलर के पास पता कर सकते हो जब इसकी प्राइस आ जाएगी 30 जून के बाद। आप चाहो तो इसकी टेस्ट ड्राइव भी बुक करा सकते हो, मेरी सिटी में 5 जुलाई के बाद इसकी टेस्ट ड्राइव स्टार्ट है। बेस मॉडल अभी मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से ना वर्थ लग रहा है, क्योंकि सबसे अच्छी बात तो यह है कि 12
11 लाख की ये गाड़ी है। और फीचर्स भी आपको नेसेसिटी वाले सारे मिल रहे हैं, जैसे चारों पावर विंडो मिल गया, टच स्क्रीन मिल गया, स्पीकर वगैरह भी हैं, इन स्टीयरिंग में कंट्रोल है। तो इसी के साथ इसमें भाई बड़ा खतरनाक वाला इंजन मिलता है, 2.2 लीटर का डीजल और 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल, जो कि मुझे नहीं लगता कि 12 लाख में महिंद्रा के अलावा कोई ब्रांड ऑफर कर रहा है, तो वो एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट जाता है यहाँ पे। सेम एक्सयूवी 700 के साथ भी था कि बेस मॉडल बहुत ज़्यादा वर्थ था, इसके साथ भी वही केस है। बट देखना यह है कि कितनी क्या वेटिंग जाती है, तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो पहले से ही बुकिंग वगैरह डाल दो अभी अगर हो रही हो तो, ज़्यादा वेटिंग नहीं मिल रही हो तो। बट एक चीज़ तो पक्का है कि इसकी वेटिंग बहुत ज़्यादा जाएगी, बेस मॉडल के एटलीस्ट तो बहुत ज़्यादा रहने वाली है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो।